हाय दोस्तों, कान में साए साए आवाज आना और कान का बजना, ये बड़ी कॉमन बात है। वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कान का बजना, कान में साए साए की आवाज बनना, ये बहुत बार ये एक बड़ी जानलेवा परेशानी बन जाती है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हमारे को रहता है। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो ये जो कान में जो आवाज आती है इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम टिनाइटिस बोलते हैं। एंड बहुत बार जब हम एकांत में रहते हैं, जब शांत वातावरण में रहते हैं, तो हमारे कान के अंदर जो ये कान का बजना या आवाज आती है, तो सबसे पहले तो इसका अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या इसके जो कारण है, तो कारण की हम बात करते हैं तो ईयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बहुत बार हमारे कान के अंदर, हमारे पर्दे के बाहर की तरफ अगर कान में वैक्स है, मैल भरा हुआ है, उस वैक्स के इंड्यूस्ड के भी ये जो है कान में साई साई की आवाज आती है। बहुत बार कान के जो है वो हमारी जो आवाज को दिमाग तक जो नर्व जो है वो नर्व वीक हो जाती है, उसके कारण भी जो है ये कान में आवाज आती है। अब नर्व वीक होने के कई सारे कारण होते हैं। कई बार क्या है, कान के पर्दे में जब छेद होता है, उस छेद के कारण भी जो है वो हमारी नर्व कमजोर हो जाती है, तो इसमें साई साई आवाज आती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जो है कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द की दवा लेते हैं या खून पतला करने के अलावा कई सारी दवाइयां चलती हैं, कैंसर की दवाइयां हैं, इन दवाइयों के कारण भी कान की नर्व वीक हो जाती है, तो हमें क्या सही सही कान में आवाज आती है। ये कई बार क्या है, सडन जो है साउंड का एक्सपोजर होता है, लाउड साउंड्स होती है, जैसे पटाखे की आवाज है, डीजे की आवाज है, उसके कारण भी ये कान की नर्व वीक हो जाती है, तो इसके कारण क्या है ये आवाज आती है। अब दोस्तों इसका जो मैनेजमेंट होता है, क्योंकि कई बार ये जो आवाज है ना हमारे ब्रेन में कई बार प्रॉब्लम होती है, उसके कारण भी आता है, तो सबसे पहले जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका पूरा एक वर्कअप किया जाता है कि आवाज का कारण क्या है। अगर वैक्स है तो वैक्स को क्लीन किया जाता है, कान के पर्दे में छेद है तो उसको भी ठीक किया जाता है। बहुत बार सीटी स्कैन या MRI करा के ये भी देखा जाता है कि कहीं हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण ये जो है वो आवाज दोस्तों आ रही है। एंड उसमें अगर कोई कारण है तो उस कारण को ठीक किया जाता है। एंड उसके बाद में कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं कान के अंदर खून का दौरा बढ़ाने की, जिससे क्या है वो आवाज धीरे धीरे कम होती है। और एक इंजेक्शन भी होता है टाइनेक्स नाम से, जिस इंजेक्शन को हम लगाते हैं और ड्रिप में डाल के जहां पे आवाज आना बंद हो जाती है वहां पे रुक जाता है। सो ऐसे इस टिनाइटिस का जो है वो ट्रीटमेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आपके कान में ये प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा उधर से ध्यान हटाइए एंड एक बार डॉक्टर को दिखाइए, जो उचित जो उसका कारण है उस कारण को पता लगा कि हम उसका बेस्ट से बेस्ट उसका मैनेजमेंट कर सके। सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत यूजफुल है। जस्ट यू कैन शेयर इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, जिससे टिनाइटिस की जो प्रॉब्लम है उनको जो है वो हेल्प मिल सके। एंड आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका जो है वो डिस्कशन डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।